गाइस आज हम जा रहे हैं दमदमा लेक गेटवे रिजॉर्ट। तो बहुत ही अमेजिंग रास्ता है ये, धौज का रास्ता है। इस साइड में मैं दिखाता भी हूँ कि पहाड़ियाँ हैं। मेरी नन्ही सी बेटी सो रही है बीच रास्ते में वहाँ जाके लंच करेंगे। लेट्स सी। जो चीज चाहिए होती है वो सिर्फ एक रूम होता है लेजर के लिए, बट जो रिजॉर्ट होता है वो एक अमेजिंग, यही सब चीजें होती है जो आपको एक एनवायरनमेंट और नेचर से जोड़ता है, जिस वजह से रिजॉर्ट की प्रेफरेंस हमेशा मेरी रहती है। तो हम आ चुके हैं दमदमा गेटवे रिजॉर्ट, और ये देखो ये हमारा नन्हा सा बच्चा शेड्स लगा के अपनी मम्मा के साथ डांस कर रहा है। ये तो ये एंट्रेंस है, इस तरफ से ये गेट है, ये गाड़ी जा रही है कड़ा। तो ये हमने कर लिया एंट्री यहाँ से चेकिंग के साथ, हमें मिला है एंट्री कूपन। अब हम जा रहे हैं रिसेप्शन की तरफ। चलो 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 चलो। रूम में जाके हेयर स्टाइल बनाना है। तो ये सामने से आए हैं। आजो आजो। This is a beautiful resort. ये देखो। हमारा नन्ना सा बच्चा और ये रिसेप्शन एरिया। लेट्स कम इनसाइड। आओ चलो चलो चलो। थैंक यू बोल दो। थैंक यू। तो हमारी एंट्रेंस पे मतलब कि रिसेप्शन पे तुलसी माला से स्वागत किया गया है, और ये देखो मेरे गले में है अभी। इसके अलावा हमने वेलकम ड्रिंक्स एंजॉय की, थोड़ा बहुत कैंडीज हैं वो एंजॉय किया। अभी हमारा जब तक रूम रेडी हो रहा है, क्योंकि हम 12 बजे आ चुके हैं सुबह के टाइम, और चेक इन लगभग 1-2 बजे इनका टाइम होता है जब रूम एलोकेशन का। तो अभी रूम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि गेस्ट जो पहले से थे वो जब खाली करेंगे रूम फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब तक हम प्रॉपर्टी के नियर बाय लोकेशंस देख के आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है। तो हम आए हैं सारस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर यहाँ पर फूड डाइनिंग वगैरह सब कुछ है। यहाँ छोटे बच्चों के लिए कुछ गेम्स हैं, और इसके पीछे की तरफ आपको दिख रही है लेक। अभी लेक पे भी लेके चलता हूँ। आप
तो जहाँ हम लंच कर रहे हैं वहाँ पर देखिए तमनामा लेक के साइड में और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, स्नैक्स है, छोटा सा कोलंबस, सारी चीज़ें मैनुअल है। बड़ा प्यारा सा नज़ारा है ये। हाँ और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है यहाँ, छोटे छोटे से गेम्स हैं। नन्ही सी शूटिंग है और पीछे दमदमा लेक प्यारी सी। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है एक्सप्लोर जिप लाइन, तो अभी वो भी एक्सप्लोर करेंगे कहाँ पर है, कितने की है। चश्मे निकालो पहले, चश्मे निकालो, चश्मे निकालो यार। मम्मा पास जाओ, मम्मा सुन तो ये कुछ है दमदमा लेक। देखो क्या दूर दूर तक है भाई फैली हुई। यहाँ आप चाहो तो बोटिंग भी कर सकते हो और बोट के सहारे आप वहाँ जाके, वो देखो एक छोटा सा कैंप लगा हुआ है उधर, वहाँ पे कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पर आके। और यहाँ दूर में बताया जाता है कि एक कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, सॉरी गलत दिखाया, वो जो आपको येलो स्कूटी नज़र आ रही है वो मिक्का सिंह का है। मिक्का सिंह ने जब यहाँ पर पानी ज़्यादा था उस टाइम यहाँ इन्वेस्ट किया था। तो अब तो खैर कंपैरेटिवली पानी कम हुआ है, बट स्टिल भाई बोटिंग वोटिंग करने के लिए काफ़ी सफिशेंट है। आसपास हिली एरिया है, वादियाँ हैं और ये ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ चाय, मैगी, पकोड़ा, ये सब चीज़ें आके आप एंजॉय कर सकते हो और कैमल राइड भी है। तो चलो अब फटाफट हमारा खाना तैयार हो गया होगा, चलो लेट्स सी क्या बना है। नूडल्स टाइम। यो जिप लाइन, वॉल क्लाइंबिंग, टायर वॉल, बुरमा ब्रिज, कमांडो नेट, कमांडो ब्रिज, बैलेंस वॉक, मोगली वॉक, कैट वॉक और ट्यूबवेल बात भी है, किसी को रेन डांस करना हो वो भी है। चलो देखते हैं कितना ही डेवलप्ड है। आता हूँ ये सबसे पहले, ये है ट्यूबवेल बात या साथ में लिखा मड बात। ओके, और ये सेटअप है रेन डांस का। तो जी हेलमेट्स एंड ऑल, सारी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज, जिप लाइन की वायर बुआ रही, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है, छोटे बच्चों के लिए अच्छा है खेलने के लिए, छोटी छोटी नन्ही प्यारी सी एक्टिविटीज़। यहाँ चाहो तो आप ऐसे बैठ के पिकनिक भी मना सकते हो। छोटे छोटे बच्चों के लिए बोटिंग और ये बलून राइड, मिक्की माउस का झूला भी है, बचपन में बड़ा प्यारा लगता था। इज द रिसेप्शन और ये देखो कितना प्यारा एरिया है। अब हमें देखना है हमारा रूम है कहाँ एग्जैक्टली। 103 105 ही है, साथ वाला देख लेते हैं विच वन इज दिस। अरे बुक हमारा तो रूम शायद पास में ही। थैंक यू। कहें 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 मैंने फर्स्ट फ्लोर चूज किया था, आपको मुझे कौन सा मिला है? ओह हमें ग्राउंड मिला है। तो हम आ गए, ये हमारा प्यारा सुंदर सा रूम। वाह, सो क्या क्या एमिनिटीज़ हैं देखें। ओह हो, यहाँ से स्टार्ट होता है अपना लेविश वॉशरूम। ओह हो, क्या कहने।
वाओ। बैकयार्ड जो कि लॉक्ड है पीछे, छोटा सा मिलना चाहिए। दिखाते हैं क्या क्या है। तो ये है प्यारी हमारी तौलिया वाली चप्पल, क्या बात है, छाता और ये हैंगर्स। भाई स्टोरेज के लिए तो बहुत जगह बनाई है मतलब। और दिखाते हैं, हाँ दिस साइड, आराम से। और ये हमारे टॉवल, इस वाओ भाई, वादियों में नहाने का मजा सा आएगा, हाय क्या कहने। ये हमारा इमरजेंसी कॉर्डलेस, और देखते हैं, ओए होए होए कमाल की चीज़ ये है भाई। आपको प्रेस भी मिल रही है, सेफ प्लेस मतलब सेफ लॉक, और आयरन करने के लिए आपको एरिया मिल रहा है प्रॉपर टेबल। और देखें ये क्या है, सो कुछ एरिया ये है, दिस इज, ये भी स्टोरेज के लिए स्पेस है, दिस इज जस्ट अ डिजाइन। और अब आते हैं इसमें, तो दिस इज एम्प्टी। और ये हमारे प्यारे सुंदर से ग्लास, ओए होए मतलब ग्लास तो क्या ही कहना, टी केटल, ये वॉशरूम है। और ये देखो सच अ ब्यूटीफुल एरिया एंड सच अ ब्यूटीफुल रूम, रियली अमेजिंग यार। आओ फूड कोर्ट में एक बार बात करें बच्चे के खाने के लिए। ओके फूड कोर्ट और वी कैन से इज चलो चलो चलो, ये शीशा टडा, बड़ा ही होता ना।
चलो पापा नीचे फ्रंट ऑफिस बंद है नहीं बहुत है ठंडी 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 सब ब्यूटीफुल एरिया सुबह की चाय यहाँ पी सकते हैं एंड इट्स अ बार एरिया Amazing. How we do? Oh, this is sweet. कुछ तो यूनिक है. तो वो इनका कुछ टीम इवेंट है कुछ सो बेबी फूड हम ला सकते उन्होंने कहा कि बेबी फूड उनकी तरफ से फ्री है ओट्स खिचड़ी और कुछ अगर चाहिए वो एक दो आइटम जो बच्चे खाते हैं बेसिकली वो उनकी तरफ से फ्री है 25 to 30 minutes लगेंगे उन्हें प्रिपरेशन में आपको जब भी जरूरत हो आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं नहीं वो रूम में डिलीवर हो जाएगा देयर इज़ नो एक्स्ट्रा चार्ज फॉर दैट नहीं कुछ नहीं अपनी तरफ से सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रिजॉर्ट आई लाइक दिस कि भाई इलेक्ट्रिक का ज़माना है तो इतनी दूर से अगर कोई आता है तो भाई ये देखो दिस इज़ अ इलेक्ट्रिक एरिया फॉर देयर चार्जिंग देयर व्हीकल्स हाँ वो बात अलग है यहाँ पर अभी पेट्रोल गाड़ियाँ खड़ी हैं चलो कोई नहीं अभी पहले रिसेप्शन चलते हैं अपनी कार्ट बुक कराने चलो अच्छा खुला है सो बाइक के स्पेयर पार्ट से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा क्रिएटिव मुझे भी नहीं दिखा था हम रिसेप्शन पे कार्ट का वेट कर रहे हैं क्योंकि 20 एकर्स की प्रॉपर्टी है एक्सप्लोर करने के लिए भाई इतना तो पैरों पे दब नहीं है कि आई 20 एकड़ की प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर पाएंगे तो लेट्स सी कि कार्ट से चलते हैं जो जो अमेजिंग एरियाज होंगे वहाँ रुकेंगे अदरवाइज प्रॉपर्टी देख के आ जाएंगे तो सरदार जी कहाँ घुमाने वाले हो आज बताइए सर आप कहाँ घूमना सर पहली बार आए हैं प्रॉपर्टी में आप बताओ कहाँ हवा लगी ना
अच्छा और बुफे कौन से एरिया में लगता है? बुफे भी यहीं पर लगते हैं। कितने? 70 रूम्स। 70 रूम्स, ओके। जो ऑपरेशनल है। अच्छा। ये सर गार्डन फेसिंग रूम्स है, गार्डन व्यू। ओके। और ये सर जो ग्रीन शील्ड लगी हुई है, इसको पीछे हम प्रॉपर्टी एक्सपेंड कर रहे हैं सर, 60 रूम्स और ऐड हो रहे हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पूरी प्रॉपर्टी 20 एकड़ की है। यस सर। और पूरे पे ही कुछ ना कुछ बना हुआ है। हाँ जी। ये सर लॉन्स है, यहाँ पर सोशल और कॉर्पोरेट दोनों टाइप के इवेंट्स होते हैं। ओके। ये सर एम्पी थिएटर है, जैसे अगर कॉर्पोरेट इवेंट्स है तो स्टैंड अप कॉमेडी है। हाँ हाँ, उसके लिए यूज हो जाता है। ओके। और वैसे शादियों में फेरों को ले हल्दी के। इसके बाद से सर प्लेग्राउंड से स्टार्ट है सर, बास्केटबॉल का है, लॉन टेनिस, फुटबॉल एंड क्रिकेट का ग्राउंड है सर। यहाँ पर भी सर शादियाँ होती हैं। अच्छा, और साथ में क्रिकेट एंड फुटबॉल भी है। और प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर लेंगे सर, बाकी तो हमारा रेनोवेशन की वजह से क्लोज है सर। तो वो हमारा प्यारा कैमल बैठा हुआ है उस तरफ, ठीक है, रेस्ट कर रहा है। कैमल राइड है यहाँ पर, और छोटे मोटे ट्रैकिंग्स वगैरह हैं, मतलब कमांडो ट्रेनिंग्स एंड अदर स्टफ। यस, ज़िपलाइन भी है इसमें। अरे वाह, ज़िपलाइन अच्छी लग रही है यार, जहाँ मैंने लास्ट पास के कैंप में दिखाई थी उससे तो मच बेटर लग रही है। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है, वहाँ तो ओपन एरिया में टाई कर ली थी इन्होंने, प्रॉपर सेफ्टी टिप्स भी फॉलो किया, तो दिस इज़ वेरी नाइस। और देखो क्या क्या एक्टिविटी है यहाँ पर। ओह, बड़ी बड़े साइज की है। ये क्या था? लेट्स ट्राई। और देखें छोटे बच्चों की क्या क्या। ये बेटू भी चलेगा। हाँ। ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं अंदर लेके जाता हूँ इसको। आप
आओ उस तरफ चलते हैं। वो कह रहा है मट बाइकिंग वगैरह है काफी उस, अरे लिस्ट में बहुत चीजें लिख रही हैं, जिप लाइन वगैरह। यार वो लग देखने में बड़ा अमेजिंग सा रहा है। ट्रिपल लाइन है किसके? नहीं जिप लाइन के तो 499 समथिंग है। हाँ इसमें बॉल आएगी डायरेक्ट। हमारे कैमल अंकल काफ़ी सारी हैं यहाँ पर, और पता नहीं ये क्या बनाने वाले हैं। आई गेस ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो भूल भुलैया जिसे कहते हैं ये वो बनने वाली है। आई एम नॉट श्योर, मे बी आई वुड बी रॉन्ग, पर देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। वो वेरी नाइस, मौसम के साथ साथ ठंड बढ़ चुकी है। और ये जो आप पीछे बैरिकेडिंग देख रहे हैं, आपको पीछे पीछे डार्क ग्रे कलर की बैरिकेडिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर 60 रूम्स लगभग और बढ़ाने का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और इस टाइम पूल वगैरह बिल्कुल बंद है। द रीज़न इज़ एक तो विंटर्स है, सेकंड उसमें भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है क्योंकि रेयरली यूज़ होता है विंटर्स में। तो दिस इज़ रियली अमेजिंग। और ये हमारा नन्ना बच्चा काम भाग लेता है। तो आप भी देखो कुछ एक्टिविटीज हैं, ज़्यादा बोलता है ना फट जाती है। अच्छा अलग ही डायरेक्शन चल रही है। इतना साफ सुथरा पार्क, हमने चाय और स्नैक्स एंजॉय किया जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था होटल की तरफ से। और यहाँ कुछ फन एक्टिविटीज चल रही हैं अभी फिलहाल लोगों की। भाई 6 बज गए हैं, सर्दियों का टाइम है, ठंड है, तो अभी फिलहाल कोई कार्ट आ नहीं रही है, तो इस वजह से हम पैदल ही अपने रूम की तरफ चल रहे हैं। करा बने रहे संवाददाता साथ अनायशा एज अ सपोर्टिंग डायरेक्टर है, सपोर्टिंग एक्टर भी कह सकते हैं।
तरह से छोटे छोटे केज बने हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर से। क्यों है किस लिए पता नहीं, पर आर्ट बहुत प्यारी है। यो हमारी गुड़िया आगे निकल गई। उससे नहीं खुलता, इसके लिए चाहिए ये। टाटा खुश। एकदम सन्नाटा हुई है ये। तो दिस इज द डाइनिंग। खाना बहुत ही अमेजिंग है, नॉन वेज लवर्स के लिए तो इतनी वैरायटी है कि मतलब क्या बताएं। मुँह में पानी आने लगा, बट अपन नहीं खाते तो नहीं खाते यार।